अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज हमने लड्डू बनाए हैं। दीदी, ये लड्डू तो सच में बहुत टेस्टी हैं, है ना? जय, इसे कमरे में ले जाओ। हमारे हाथ में ये निशान कैसे? ससुर जी, हमारे मम्मी पापा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। जब से इस घर में आए हैं उनकी बहुत याद आती है। काश कि हम आपसे बात कर पाते जैसे अपने पापा से किया करते थे। सिमरन, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। चलो खाना खा लेते हैं। बैठो सिमरन। आज हमने तुम्हारे लिए खाना पहले से ही निकाल के रखा है। पर दीदी, आज हम खाना नहीं खाएंगे। वो क्या है ना, आज सर में थोड़ा सा दर्द है, तो आज हम बस एप्पल खा लेंगे।
लेकिन घर का खाना खाने से तो सरदर्द ठीक हो जाएगा ना, थोड़ा सा खा लो। नहीं दीदी प्लीज, बिल्कुल मन नहीं है। जिद मत करो सिमरन, हमने कहा ना खाना खाना पड़ेगा। अरे सिमरन, गरिमा के कहने का मतलब ये है कि उसने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, थोड़ा खा लो, इसका भी मन रह जाएगा। खाओ खाओ। महाराज जी, हम पिछले कई दिनों से सिमरन के रक्त की आहुति दे रहे हैं, लेकिन पापा की तबीयत में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। थोड़ा सब्र करो गरिमा बेटी, ऊपर वाला अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने से पहले उनका इम्तिहान लेता है। जाओ जाके और रक्त लेके आओ। आप यज्ञ शुरू कीजिए। दीदी, आप सब हमारा हाथ काट रहे थे, हमारे हाथ से खून निकाल रहे थे, पर क्यों? तेरी कुंडली में आयुष योग है, तेरी खून की आहुति से हमारे पापा की लकवा की बीमारी ठीक हो जाएगी। दीदी, क्या कैसे अंधविश्वास वाली बातें कर रही हैं? ये सब झूठ है, ये भी बहुत बड़ा ढोंगी है। दीदी आप कैसे बातें कर रहे हैं? जय, क्या हो गया है तुम्हें? चुप! हमारी साधना, हमारी तपस्या को ललकारने की हिम्मत मत कर। इस रक्तदान से हमने बहुत लोगों का जीवन बचाया है। दीदी, जय, ऐसे ऐसे अंधविश्वास में आके आप लोग हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। प्लीज ये सब मत कीजिए। और जय, तुम्हारे लिए हम अपना सब कुछ, अपने मम्मी पापा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर आ गए, और तुम हमारे साथ ये कर रहे हो? मैं तेरी तरह नहीं, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दीदी दीदी प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज दीदी हमारे। रो मत, दो बच्चों को अपने बाप से मिलाकर दुनिया का काम ही तो करेगी। चल बैठ, आज यहीं पे तेरा रक्त निकाल के यहीं पे आहुति दूंगी। चल दीदी प्लीज, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। दीदी प्लीज मुझे छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। जय, नहीं प्लीज, जय प्लीज, नहीं 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 प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, नहीं। ओम ह्रीम ह्रीम नारायणस्य स्वाहा। हाँ बेटा। सिमरन आजकल कहाँ है? उसने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। हमने उसको कितने बार फोन करने की ट्राई की, वो कभी उठाती ही नहीं। देखो, हमें सिमरन के बारे में कोई बात नहीं करनी। लता चलो। सुने ना, सिमरन ने एक महीने से फोन नहीं किया है, तो आपको मनाने के लिए जरूर फोन करती। कहीं ईशा सच तो नहीं कह रही, हमारी सिमरन मुसीबत में तो नहीं है? अगर वो घर से भागने की हिम्मत रख सकती है ना, तो हर मुसीबत को अकेले झेलने की हिम्मत भी रख सकती है। घर चलो। सुनिए, खाना लाए।
खा लो ना। खिला दिया खाना? मैं कहा खा ही नहीं रही, क्या करें? कोई बात नहीं, दो दिन खाना नहीं खाएगी तो ब्लड बनना बंद थोड़ी हो जाएगा। जान बचाने के लिए शुक्रिया। दीदी जल्दी आइए, पापा जल्दी। बाबा महाराज, ये पापा को क्या हो रहा है? हमने उनके लिए इतनी पूजा यज्ञ करवाई लेकिन उनकी तबीयत तो और भी बिगड़ती जा रही है। हमारी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटी। तुम्हारी पापा की जो बीमारी थी, हमने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा कम नहीं। अब रक्तदान से काम नहीं होगा तो फिर हमें सिमरन की बलि चढ़ानी होगी। दीदी मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, आप सिमरन की बलि चढ़ाने की विधि शुरू कीजिए। जी आप? गरिमा बेटा, सिमरन कैसी है? उसने बहुत दिनों से फोन नहीं किया ना, तो सोचा मैंने क्यों करेगी आपको फोन। अब वो जय की बीवी है, जो लोग जय की इज्जत नहीं करते सिमरन उनसे बात नहीं करना चाहती। गरिमा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जय को हम भी बहुत इज्जत देते हैं, तुम बस सिमरन को बुला दो प्लीज। वो इस वक्त घर पे नहीं है, मार्केट गई हुई है और हमें भी बाहर जाना है। आप प्लीज जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। मम्मी! सिमरन! वैसे नहीं होने के। सिमरन! 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 बाहर आ जाओ तुम लोग, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं हमें, छोड़ दीजिए प्लीज। ये क्या किया आप लोगों ने मेरी मम्मी के साथ? मम्मी उठो, छोड़ो, आवाज बंद कर। मम्मी उठो प्लीज, मम्मी। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आज ये हालत है। तुम जाओ, जाके गाड़ी निकालो। नहीं, नहीं, तुम बाद में देखेंगे।